आप में से कई नौजवान फौज और अन्य गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे। कई लोग तो BMI में मार खा जाते हैं, जिस कारण वो मेडिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये BMI होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स होता है द पर्सन्स वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स और फीट। हाई BMI हाई बॉडी फैटनेस इंडिकेट करता है। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो BMI रहता है बिटवीन 18.5 एंड 25, और अगर ओवरवेट रहता है तो इट इज बिटवीन 25 एंड 30। जिनका भी BMI 30 से अबव होता है वो ओबीज में कैटेगराइज होते हैं। पर अभी बताया जा रहा है बाय द एक्सपर्ट्स कि BMI इज फ्लॉड। पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर्स का ये कहना है कि BMI इनएक्यूरेट मेजर ऑफ बॉडी फैट कंटेंट है, जिसमें मसल मास, बोन डेंसिटी, ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन और रेशियल एंड सेक्स डिफरेंसेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स की टीम ने ये पता लगाया कि ओबेसिटी से सफर करने वाले लोग ज्यादा बेहतर सर्वाइव करते हैं एज कम्पेयर टू द पेशेंट्स ऑफ नॉर्मल वेट। जिन पेशेंट्स की BMI 23.1 से कम है उनके डेथ के चांसेस दो गुना ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनकी BMI 35.3 से ज्यादा है। प्रोफेसर ट्रेफिन का मानना है कि BMI हाइट टू वेट रेशियो से शॉर्ट लोगों को लगता है कि वो बहुत थिन है और टॉल लोगों को लगता है कि वो बहुत मोटे हैं देन दे रियली आर। ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन की डॉक्टर मार्गरेट एशविल का ये कहना है कि हाइट टू वेट रेशियो की एक सुपीरियर प्रेडिक्टर है BMI फॉर टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। उनका कहना है कि अगर आपकी कमर की नाप आपके हाइट के आधे से कम है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हाई है, मतलब कि एक 6 फुट के आदमी का वेस्ट 36 इंचेस या उससे कम होना चाहिए और 5 फुट 4 इंच की महिला का वेस्ट 32 इंचेस नहीं एक्सीड करना चाहिए। इस प्रकार वेस्ट टू हाइट रेशियो को एक स्क्रीनिंग टूल कंसिडर करना चाहिए। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।